टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने हेजल कीस्ट के साथ 2016 में शादी की थी। शादी के 6 सालों बाद कपल ने जनवरी 2022 में अपने पहले बेटे का स्वागत किया। युवराज और हेजल ने अपने बेटे का नाम ओरियन रखा है। अपने बेटे के जन्म के 25 दिनों बाद युवराज ने इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया था। तभी से फैंस युवराज और हेजल के बच्चे की तस्वीरें देखने के लिए बेताब थे। युवराज और हेजल ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और फादर्स डे के मौके पर अपने बेटे ओरियन का चेहरा फैंस के सामने रिवील कर दिया। तभी से फैंस युवराज के बेटे की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं। अब जाकर हेजल कीच ने अपने बेटे के साथ पहला इंस्टाग्राम रील शेयर किया है, जिसमें ओरियन की क्यूटनेस देखकर फैंस खुश हो गए हैं। हालांकि इस वीडियो में फिल्टर लगाया गया है, जिससे उनका बेटा रंगीन बाल और मेकअप के साथ नजर आ रहा है। नन्हा शहजादा हैरान था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उसका ये पहला इंस्टाग्राम रील था। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, फैंस इस पर प्यार बरसाने लगे। किसी को हेजल का वीडियो फनी लगा तो किसी को उनके बेटे की एक्सप्रेशन क्यूट लगी। कुछ लोगों का मानना है कि उनका बेटा एकदम युवराज के जैसा लगता है। अपने बेटे के साथ खुशहाल वक्त बिताने के साथ साथ हेजल इन दिनों अपनी बॉडी पर भी काफी ध्यान दे रही है। बेटे के जन्म के बाद हेजल का वजन काफी बढ़ गया है, लेकिन अब उन्होंने खुद को फिट करने की ठान ली है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रही है। हेजल अलग अलग तरह के वर्कआउट कर रही है और साथ ही में वो कैप्शन में लिखती है, अपनी आ अंटे वाली बॉडी वापस लेकर आऊंगी। उन्होंने इसके साथ अपने ट्रेनर को भी धन्यवाद दिया है। हेजल की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए सेलिब्रिटीज ने उनकी हौसला अफजाई की है, तो वे उनके पति युवराज सिंह भी लिखते हैं, यो हेजी गो हेजी। दोस्तों आपको बता दें, हेजल की सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में नजर आ चुकी है, साथ ही वो बिग बॉस 7 का भी हिस्सा रह चुकी है। उन्हें आ अंटे गाने के आइटम नंबर के लिए भी जाना जाता है। ये उनका गाना आज भी काफी पॉपुलर है। तो दोस्तों आपको युवराज सिंह के बेटे का यह क्यूट सा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।